राय बीजेपी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में खोल दिए चुनावी कार्यालय। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी। सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअल रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राय विधायक प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बडोली ने कहा, बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल, किसको टिकट मिलेगी ये संगठन तय करेगा। मोहन लाल ने कहा, प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत सूझबूझ के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए और नीचे से जनता की आवाज़ के अनुरूप वो हमेशा उम्मीदवार देते रहे हैं और मुझे लगता है इस चुनाव में भी उसी प्रकार के जनता जिसको चाहती है उसी प्रकार के उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसमें मुद्दा होगा एक पारदर्शी सरकार, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। इसी पर हम काम करेंगे और इस देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, हमारा देश का किसान सुरक्षित महसूस करे, हमारे देश का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हमारे देश का युवा के लिए रोजगार हो, सबके लिए सभी रास्ते खुले हों, इस प्रकार का शासन देने के जो मुद्दे हैं वो सभी हमारे इस चुनावी मुद्दे में शामिल थे। ठीक। जनता पार्टी ने सभी 543 सीटों पर कैंडिडेट बता दिया गया है, कैंडिडेट दे दिया गया है और कैंडिडेट है कमल का फूल। तो ये जो कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, सभी ने कमल के फूल के लिए काम करना है और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही हमारी एक सूची पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो विचार मंथन किया है वो जारी भी होगी, आपके मीडिया के माध्यम से भी और सभी अखबारों में भी वो आने वाली है और उसकी प्रेस वार्ता भी होगी। और जब दूसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हरियाणा प्रदेश भी रहेगा दूसरी बैठक में, और लगातार क्योंकि चुनाव की आचार संहिता अभी लागू भी नहीं हुई है और ये चुनाव से अग्रिम एडवांस में तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 543 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव कार्यालय खोल दिए गए और आज हरियाणा प्रदेश ने 90 जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा सत्र पर जो हमारे कार्यालय चुनाव के लिए चल रहे हैं उनको खोल दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये कैंडिडेट आधारित पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करता है और वो विचार है इस देश को मजबूत करने का, इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने का और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। ये जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है उसी चुनाव को हम उसी दृष्टि से देखने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेके इस जनता के बीच में चुनाव में हम जाने वाले हैं। उसी के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं ने जो एक हमने आज संकल्प पत्र की जो पेटी है ये भी हमने आज जनता के बीच में रखी है और हम प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक बूथ तक इस संकल्प पेटी को लेके जाएंगे। सबके विचार इस संकल्प पेटी में आए, सबके विचार हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें, इस प्रकार की हमारी पार्टी की योजना है, हम उसको पूरा करने के लिए। और जब तक चुनाव आचार संहिता लागू होगी, जब निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा उससे पहले हम ये संकल्प पत्र अपना तैयार करने के लिए जनता के बीच में जा चुके होंगे। और जो हमारी सरकार की 10 साल की उपलब्धि, जो लोकप्रिय पार्टी नीतियाँ, जन कल्याण की योजनाएँ, जो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी जो जिम्मेवारी सभी कार्यकर्ताओं को दी है, ये लोकसभा चुनाव 2024 हरियाणा प्रदेश का चुनाव जो विधानसभा का हो बाद में होगा और ये तैयारी हमारी लोकसभा की है, उसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मुझे लगता है पूरे देश के अंदर एक तरफा वातावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, जो जनता की सेवा 10 साल तक की है,
उस सेवा का जो लोगों के अंदर मन बना है, मुझे लगता है कि बहुत सी पार्टियां जो आज ये ठगबंधन जो देश में बना है और जिस प्रकार से उस ठगबंधन में भगदड़ मची है, आज उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता जो कांग्रेस पार्टी को और जो अन्य पार्टियां जो उन पार्टी के साथ ठगबंधन में शामिल हुई हैं, उन सब के नेता भाग रहे हैं, वो उन पार्टियों को छोड़ रहे हैं और वो एक अच्छे विचार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज उस प्रकार की भगदड़ पूरे देश में मची है और आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बना। विधायक जी, कैंडिडेट की क्या खासियत? ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।